तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास एक लेटर है और उस लेटर को अलग अलग नाम से और अलग अलग एड्रेसेस से प्रिंट करना है, तो ये काम भी अब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कर सकते हैं। नए वाले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने इसको काफी इजी बना दिया है। तो आज के इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे हम सेम लेटर या सेम डॉक्यूमेंट को अलग अलग नाम से या अलग अलग एड्रेसेस से प्रिंट करेंगे। लेकिन पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा, कोई स्टेप मिस मत करिएगा, क्योंकि अंतिम स्टेप तक देखना बहुत जरूरी है। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो फ्रेंड्स, सेम लेटर को अलग अलग नाम और अलग अलग एड्रेस से एक साथ प्रिंट करने के लिए हमें चाहिए होंगी दो चीजें। पहला तो एक लेटर जो सामने आपको यहाँ पे दिख रहा है, दूसरा एक डिटेल चाहिए होगा, मतलब जिस डिटेल को हम इस लेटर में ऐड करना चाहते हैं। तो डिटेल मैंने पहले ही एक्सेल में प्रिपेयर कर रखी है, आप भी एक्सेल में बना लीजिए तो थोड़ा ईजी हो जाता है। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, डेस्कटॉप पर मैंने नेम और एड्रेस नाम की फाइल सेव कर रखी है। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो इसमें मैंने चार अलग अलग लोगों के नाम और लोकेशन सेव कर रखा है। ये देखिए, चार नाम हो गए आपके सामने और चार लोकेशन हो गई। अब इस डिटेल के बेसिस पे हम चार लेटर प्रिंट करेंगे, यानी कि चार अलग अलग नाम और चार अलग अलग लोकेशन के बेसिस पे हम चार लेटर प्रिंट करेंगे। ठीक है, फिलहाल इसको मिनिमाइज कर देते हैं, वापस से चलते हैं लेटर पे। ठीक है, ये हमारा लेटर है। अब हमें वो डेटाबेस इसमें ऐड करने के लिए हमें जाना है ऊपर के रिबन में। ये देखिए, मेलिंग टैब आपको दिख रहा है। ठीक है, इस पर क्लिक कर दीजिए तो नीचे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे। हमको जाना है स्टार्ट मेल मर्ज पे, लेफ्ट हैंड साइड में आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। इसके ड्रॉप डाउन पे क्लिक करिए और यहाँ से लेटर सेलेक्ट कर लीजिए। इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, उनको हम फिर किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज हम लेटर के बारे में बात कर रहे हैं तो सिंपल हम लेटर पर ही रहते हैं। तो लेटर हमने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया, तो लेटर हमारा सेलेक्ट हो गया। उसके बाद जस्ट बगल में ही आपको ऑप्शन मिल जाएगा सेलेक्ट अ रिसिपिएंट। ठीक है, इस पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन देगा, टाइप अ न्यू लिस्ट, यानी कि अगर कोई आप नई लिस्ट टाइप करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन आप ले सकते हैं। अगर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग लिस्ट है जो कि हमने आपको भी दिखाई थी, उस तरह की कोई लिस्ट है तो आप दूसरा ऑप्शन ले सकते हैं। या आउटलुक से अगर आप चाहते हैं कोई कॉन्टैक्ट वहां से मतलब मर्ज करना या वहां से लेना, तो आप ये चूज फ्रॉम आउटलुक कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्योंकि लिस्ट पहले ही प्रिपेयर कर रखी, तो हम दूसरा वाला ऑप्शन लेते हैं, यानी कि यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट। ठीक है, इस पर क्लिक कर दीजिए तो ये आपसे पूछेगा कि कौन से लिस्ट आप ऐड करना चाहते हैं। तो हम चलते हैं डेस्कटॉप पे, क्योंकि हमने डेस्कटॉप पर लिस्ट बना रखी है। आप भी डेस्कटॉप पर ही सेव करिएगा तो आसान होगा। ये देखिए, डेस्कटॉप हम सेलेक्ट कर सकते हैं, वैसे आप कोई भी फोल्डर ले सकते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमने डेस्कटॉप पे क्लिक किया और यहाँ से हमने नेम और एड्रेस को सेलेक्ट किया। उसके बाद नीचे देखिए, ये ओपन का ऑप्शन आपको यहाँ पे, ओपन का बटन आपको यहाँ पे दिख रहा है। इसको क्लिक करते ही आप देखेंगे ये जो लिस्ट हमारी वो ऐड हो गई। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो जो लिस्ट हमने ऐड करी है उसमें एक सिंगल ही टैब था। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं शीट वन। ठीक है, अगर वहां पर मान लीजिए चार पांच अलग अलग टैब हो तो वो सारे यहाँ पर शो करेंगे, तो आपको सही शीट जो है या सही टैब जो है वो सेलेक्ट करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज जो डिटेल्स हैं वो गलत आ जाएंगी। ठीक है, टैब से मेरा मतलब मैं और डिटेल में समझा देता हूँ। जैसे कि मैं एक्सेल जब ओपन करता हूँ, मतलब जिसपे मैंने शीट बनाई थी, यहाँ पर आप नीचे देखिए शीट वन ही आपको यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, यानी कि एक सिंगल टैब है। अगर मैं प्लस करके शीट टू, शीट थ्री, शीट फोर, शीट फाइव यहाँ कर दूं तो वो सारे भी वहां पर शो होने लग जाएंगे। ठीक है, फिलहाल इसको हम यहाँ से मिनिमाइज करते हैं, वापस चलते हैं यहाँ पर। तो देखिए, मैंने आपको शीट वन दिखाया था, अगर वहां पर मान लीजिए मैं चार अलग अलग शीट और ऐड कर दूं तो वो सारी भी यहाँ पर शो करने लगेगा लाइन से। ठीक है, शीट वन दिख रहा है, अभी अगर मान लीजिए मैंने शीट फोर, फाइव, सिक्स तक कर दिया होता तो वो सारी भी यहाँ शो कर रहा होता। तो हमें क्योंकि पहले वाले में डिटेल थी तो हमने पहला वाला सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि और हमारे पास कोई शीट नहीं थी, ये मैंने समझाने के लिए आपको बताया। ठीक है, तो जिस टैब में भी आपकी डिटेल्स हैं उस शीट को आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो हमने यहाँ पे शीट वन सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर ओके पे क्लिक करेंगे हम, तो आप देखेंगे अभी ये बगल में जो आपको डिटेल्स दिख रहे हैं, ये सब जो ऑप्शंस दिख रहे हैं ये अभी हाईलाइटेड नहीं है। जैसे ही हम ओके पे क्लिक करेंगे ये सारे हाईलाइटेड हो जाएंगे। ठीक है, ये देखिए, जैसे ही हम यहाँ पे ओके पे क्लिक कर रहे हैं, ये देखिए सारे हाईलाइटेड हो गए। ठीक है, एड्रेस बुक, ग्रीटिंग, इंसर्ट मर्ज फील्ड। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमें इंसर्ट मर्ज फील्ड वाले ऑप्शन से ही लेना देना है, क्योंकि हमें इस पे क्लिक करके अपनी फील्ड्स जो हैं या अपनी जो भी ऑप्शंस थे उनको ऐड करना है। ठीक है, बाकी से हमें मतलब नहीं है। तो हम सिर्फ इंसर्ट मर्ज फील्ड पे क्लिक करेंगे और नीचे देखिए जो तीन ऑप्शन हमने वहां पर बनाए हुए थे, यानी सीरियल नंबर, नेम और लोकेशन, वो सारे यहाँ पे शो हो रहे हैं। अब इस लेटर में आप इन तीन ऑप्शन को जहां मर्जी वहां पर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, कैसे बताता हूँ, पहले यहां से हट जाते हैं, वापस चलते हैं लेटर पे। अब मैं चाहता हूं कि डियर के बाद नाम आए, तो हमने अपना सिंपल कर्सर यहां लिख दिया। अगर आप थोड़ा सा और स्पेसिंग देना चाहें तो आप स्पेसिंग इसको थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम वापस चलेंगे इंसर्ट मर्ज फील्ड पर और उसके बाद यहां पर देखिए ये नेम का ऑप्शन आपको यहां पर दिख रहा है। इसको सिंपल यहां पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे डियर के बाद जो है वो नेम आने लगा। ठीक, उसी तरीके से नीचे चलते हैं और ये रहा एड्रेस। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि एड्रेस के आगे लोकेशन आए।
ठीक है, यानी कि जो भी लोकेशन जहां पर भी हम भेजना चाहते हैं वो लोकेशन यहाँ पर शो हो। ठीक है, तो हम वापस से, हमने पहले कर्सर यहाँ पर देखा, क्लिक किया, कर्सर यहाँ ब्लिंक कर रहा है, अब हम वापस से चलते हैं इंसर्ट मर्ज फील्ड पर, ठीक है, और इसके ड्रॉपडाउन पे क्लिक करते हैं, अब यहाँ लोकेशन पे क्लिक करते हैं। तो जैसे हम लोकेशन पे क्लिक करेंगे तो नीचे देखिएगा लोकेशन ऐड हो चुकी है, ये देखिए लोकेशन यहाँ पर ऐड हो चुकी है। ठीक है, ये इतना काम हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई हमने लोकेशन और नेम तो ऐड कर दिया लेकिन हम कंफर्म कैसे करें, तो इसके लिए आप प्रीव्यू देख सकते हैं। प्रीव्यू कहाँ होगा, ये देखिए ये ऑप्शन यहाँ पर आपको प्रीव्यू का दिख रहा है। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए पहला नाम आपको यहाँ पर शो होने लगा। ठीक, पहला नाम शो होने लगा। अब आप चाहते हैं बाकी नाम भी देखना तो यहाँ पर ये देखिए प्रीव्यू के जस्ट बगल में ये ऑप्शन आपको यहाँ दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट रिकॉर्ड पे क्लिक करिए, जब इस पे हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे पीटर की जगह जो नाम होगा वो चेंज हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे जॉन आ गया, तीसरा भी देखिए रोज आ गया, चौथा भी देखिए एलेक्स आ गया। अभी काम खत्म नहीं हुआ है, अब यहाँ तक हमने ओपन मतलब ये ऑप्शन चेक कर लिए, मतलब सारे लेटर सही हैं। अब इसके बाद मेन काम शुरू होता है प्रिंट का। ठीक है, वो देखिए हम कैसे करते हैं, नीचे लोकेशन भी दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देखिए लोकेशन भी अलग अलग यहाँ पर चेंज हो रही है। ठीक है, ये रोम है, अभी मैं वापस यहाँ पर बैक करूँ या तीसरे वाले लेटर पर जाऊँगा तो देखिए टेक्सास आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से लोकेशन भी यहाँ पर चेंज हो रही है। अब हमें क्या करना है, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है फिनिश एंड मर्ज पे। ठीक है, इस पर क्लिक करिए और यहाँ पर देखिए तीन ऑप्शन दे रहा है, हमें प्रिंट करना है तो हमें दूसरा वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। प्रिंट पे बस क्लिक करिए और यहाँ पर तीन ऑप्शन है, ऑल, अगर आप सारे प्रिंट करना चाहते हैं तो ऑल पे क्लिक करिए, अगर करंट चाहते हैं यानी कि सिर्फ जो जो वहां पर आपको जो लेटर दिख रहा है सिर्फ वही प्रिंट हो तो करंट रिकॉर्ड पे करिए, और कोई रेंज लेना चाहते हैं, मान लीजिए आपके पास 100 लेटर है और आप चाहते हैं कि 20 से लेकर के 30 लेटर तक हो तो यहाँ तो सिंपल आप 20 to 30 लिख दीजिए। ठीक है, 20 और 2 में 30 लिख दीजिए तो सिर्फ 20 से 30 लेटर तक ही प्रिंट होगा। ठीक है, फिलहाल हम ऑल पे रहने देते हैं क्योंकि हम सारे को प्रिंट कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ से ओके पे क्लिक करिए, प्रिंटर का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा, अपना प्रिंटर सेलेक्ट करिए, यहाँ पर ऑल रहने दीजिए। ठीक है, और यहाँ नीचे ओके पे क्लिक करते ही आपके चारों लेटर जो है वो प्रिंट हो जाएंगे। तो इस तरीके से सेम लेटर को अलग अलग नाम और अलग अलग एड्रेस से हम प्रिंट कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट